वेलकम बैक स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस वीडियो यू हैव सीन अबाउट मैलवेयर एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक डैमेज कॉज्ड बाय मैलवेयर्स. सी द मैग्नीट्यूड ऑफ हार्म रिलाइज अपॉन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्फेक्शन एंड समटाइम द अफेक्टिवनेस ऑफ इट्स एक्शंस आर impalpable for the clients of a compromised machine. तो ये जो malwares हैं इन ये कितना harm पहुँचाते हैं ये उनके objective पे infection के method पे depend करता है और किस type का user है और उसकी need क्या है, मतलब वो किस system को किस लिए use करता है, उसके आधार पे भी ये क्लासिफिकेशन होता है कि जो मैलवेयर्स हैं वो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डैमेज कॉज्ड बाय मैलवेयर इन डिटेल. द फर्स्ट थिंग इज रिजल्ट्स इन फ्रीक्वेंट फ्रीजिंग और क्रैशिंग ऑफ द सिस्टम. दैट मीन्स इफ योर कंप्यूटर इज affected from malware, then your system might be crash or it would freeze when you are working on it. So malware can adversely affect the system. It may slows down the working of computer system or may delete data stored in files and folders. तो अगर मैलवेयर्स आपके कंप्यूटर में आ गए तो आपका कंप्यूटर ऐसा हो सकता है कि वो बहुत ही स्लो हो जाए, हैंग करने लगे, फ्रीज होने लगे, क्रैश होने लगे और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इम्पॉर्टेंट फाइल्स फोल्डर्स भी डिलीट हो जाए. इफ़ वी टॉक अबाउट एन एग्जांपल, इन 1988 इन यूएसए द मॉरिस वॉर्म अटैक ओवर 6,000 मशीन्स विच लीड टू कम्प्लीट पैरालिसिस ऑफ अबाउट 10% ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क. तो 1988 में एक मॉरिस वॉर्म नाम के एक वॉर्म का अटैक हुआ था जिससे जो कंप्यूटर्स थे 6,000 कंप्यूटर्स को वो अफेक्ट किया था, उसमें से 10% कंप्यूटर्स एकदम फ्रीज हो गए, उसमें वर्क करने के वो कंडीशन में ही नहीं थे, या सिंपल टर्म में आप कह सकते हो कि वो पैरालाइज हो गए थे. Second problem that can be caused by malware is hardware failure. So a virus can sometime cause harm to the system hardware as well. For example, in 1999, the Chi virus, also known as Chernobyl, deleted the data in the flash BIOS basic input output system. Ye wo पर्टिकुलर पार्ट होता है जिससे आपका जो कंप्यूटर है वो बूट होता है, मतलब बायोस में जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो अगर रहेंगे तभी आपका जो कंप्यूटर है वो ऑन होगा. तो इस वायरस ने क्या किया था, बायोस के डेटा को डिलीट कर दिया था, मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू इवन बूट द कंप्यूटर, एंड दैट इज़ वाई कंप्यूटर ऑन होना ही इम्पॉसिबल हो गया. तो दैट इज़ considered under hardware failure. Third thing is loss of data. So a malware can delete different users' document and can damage different files crucial for working of an operating system. So virus, worms, malware, trojan horse, ये सब क्या कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है उसको डिलीट कर सकते हैं. ये किसी यूज़र के सिंपल डेटा डॉक्यूमेंट्स को तो डिलीट कर ही सकते हैं, साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं जिनसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है उनको भी ये डिलीट कर सकते हैं. देन आफ्टर स्लोज डाउन द नेटवर्क स्पीड. तो अ मैलवेयर कैन स्लोज डाउन अ कंप्यूटर नेटवर्क बाई फ्लडिंग द नेटवर्क विथ डेटा इट कैन नॉट सपोर्ट. तो कुछ ऐसे मैलवेयर्स एक्चुअली वॉर्म्स होते हैं जो, या एडवेयर्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर को अगर इन्फेक्ट कर दें तो ये इतना फालतू का डेटा आपके नेटवर्क में सेंड करते रहेंगे जिससे आपकी जो नेटवर्क स्पीड है वो स्लोज डाउन हो जाएगी, जिससे आप अगर आप इंटरनेट यूज़ भी करना चाहते हो, नेटवर्क यूज़ भी करना चाहते हो तो भी आप प्रॉपरली उसको नहीं कर पाओगे.
then alters the configuration of the system. तो in Windows operating system, registry keeps track of a system's hardware and software. Altering the registry information can adversely affect the working of the system and its performance. A malware program is capable of altering Windows registry. तो Windows operating system अगर हम use कर रहे हैं तो उसमें एक registry होती है जो system के hardware और software को manage करती है, उस पर keep track करती है. अगर ऐसा कोई worm या virus आपके computer में आ जाता है जो उस registry की information को alter कर देता है, तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारा जो कंप्यूटर है, उसकी पूरी परफॉर्मेंस डिग्रेडेट हो जाती है. देन आफ्टर मॉनिटर यूजर सर्फिंग हैबिट. तो अ मलवेयर सीक्रेटली मॉनिटर्स द यूजर्स कंप्यूटिंग. दीज प्रोग्राम्स कैन कलेक्ट वायरस टाइप्स ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज ट्रैकिंग द इंटरनेट सर्फिंग हैबिट एंड विजिटेड वेब पेजेस ऑफ द यूजर एंड देन दे कैन सेंड इट टू सम हैकर. Last, steals sensitive information by altering security settings. So if an operating system is not supported, not updated regularly, a malware can take advantage of this and can alter security setting of the user's operating system, and this allows unauthorized access to the system resources. That means some intruder hacker can access your computer without your knowledge. Now the next thing is safety measures. That means what precautions, what measures that we should take to prevent our system, to prevent our data information from unauthorized access and also from malwares. So malwares attack not only lead to data confidentiality loss but also affect the way in which our computer system function. तो ये केवल हमारे data की confidentiality को ही नहीं नुकसान पहुँचाते हैं, साथ ही साथ हमारा जो data है हमारे system का वो destroy कर सकते हैं, या computer की जो functioning है कि computer किस तरीके से properly काम कर रहा है उसको भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, computer की performance को degrade कर सकते हैं. Modified files and processes frequently function disruption, modified speed, etc. are some of other harmful effect of malware attack. Thus, it becomes very essential that we ensure our safety in the cyber world. So, we must take some precautions to protect our information, our data, our computer from these kind of damages. The first thing is security program. The first measure that we should take is to use security program. Now, installing reliable antivirus software is a must. That means if you are using computer, if you are using mobile phone and you want to be protected from virus, worm, etc., then install a reliable, good quality, legally purchased antivirus software. मतलब उसकी quality अच्छी हो, वो खरीद के आप use कर रहे हैं, free वाला नहीं, because free वाले antiviruses खुद में ही virus होते हैं. Because आप ये सोचो कि कोई भी चीज़ आपको free मिल रही है, that means what? कि how they are earning? They must have some source from which they can earn money. And at the same time, if you are installing antivirus or if you are downloading antivirus from some vendors that are well recognizable, at that time you have to pay 400-500 rupees and wo paise se earn kar rahe hain, and that is why they are providing the right thing to you. To try to purchase antivirus software and then use. The antivirus should be regularly updated. Second thing जो आपको यहाँ पर ensure करना है कि अगर आप antivirus install कर लिए और फिर आप उसको update नहीं करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका computer पूरी तरीके से secure हो गया. आपको regularly अपने antivirus को update करते रहना होगा. क्यों? क्योंकि देखो, अब ऐसे समझ लो कि अगर आज के 20 साल पहले किसी doctor ने MBBS किया तो उस समय जो problems थी, जो बीमारियाँ थी,
उनको क्योर करने का उसके पास मेथड और दवाइयों के बारे में नॉलेज आ गया। लेकिन टाइम बाय टाइम नए नए बीमारियां, नए नए प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। अगर वो डॉक्टर अपने आप को अपडेट ना करे, अपडेट मतलब कि वो नए नए बीमारियों के बारे में पढ़े, उसके उसको दूर करने के मेथड्स ना देखे, ना सीखे, तो फिर वो नई बीमारियों को क्योर नहीं कर पाएगा। एंड दैट्स द सेम विथ एंटीवायरस कि वी नीड टू कीप ऑन अपडेटिंग आर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सो दैट इट इज़ एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम newer kind of virus, because every now and then new viruses are coming to the market, and in order to protect yourself you must update your antivirus software. It should also be programmed to regularly scan and quarantine the system. तो इसको इस तरीके से शेड्यूल करना होता है कि कम से कम हर हफ्ते में एक बार वो आपके कंप्यूटर को पूरा स्कैन करे, और उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको क्वारंटाइन करे, डिलीट करे। इंस्टॉलेशन ऑफ फायरवॉल एंड रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू अनवांटेड साइट थ्रू एप्रोप्रिएट सेटिंग इन द ब्राउजर शुड आल्सो बी डन एज अ मैंडेटरी एक्ट। साथ ही साथ एंटीवायरस इंस्टॉल करने के साथ ही साथ आप अपने कंप्यूटर के फायरवॉल को भी एक्टिवेट कर लें, और जो ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको लगता है कि दे कैन कंटेन वायरस वॉर्म, प्लीज़ ट्राई टू अपडेट योर ब्राउजर सेटिंग टू डिसअलाउ विजिटिंग दैट वेब पेजेस। नाउ नेक्स्ट थिंग इज सिक्योर इंटरनेट एसेस। बी विजिलेंट व्हेन एसेसिंग और अपलोडिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। ओनली सिक्योर साइट शुड बी यूज्ड फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस and no personal information should be shared or saved even accidentally on any website. तो हमेशा विजिलेंट रहिए, देखिए कि आप इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे जब भी अपडेट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो आप उन्हीं वेबसाइट्स को प्रेफर करें जहाँ पे आपको लगता है कि दीज वेबसाइट आर सिक्योर। वो वेबसाइट जो HTTPS से स्टार्ट होती हो, जहाँ पैडलॉक साइन लगा हो, जो वेल नोन हो, केवल उन्हीं वेबसाइट पे अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करें। एक्सीडेंटली भी आपकी इंफॉर्मेशन अगर किसी ऐसी वेबसाइट पे जाती है जो अनसिक्योर है, देन योर सिक्योरिटी माइट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। नेक्स्ट, रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स। तो कीप योर एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स ऑल एट ऑल टाइम। Special attention should be paid to security update and security bulletins for each software or application being used. तो जो भी आप application या software use करते हैं mobile phone में या computer में, उसको आप regularly update कीजिए। अक्सर उसमें updates आते हैं, नए नए चीज़ें आती हैं, तो उनको update करते रहिए। और ख़ास करके कभी भी अगर ऐसा आता है कि security patch या security update आता है, तो उसको तो आपको हमेशा update करना चाहिए, कभी भी उसे मिस ना कीजिए, बिकॉज इट इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज अवॉइड स्पैम्स। तो मेल फ्रॉम अनवांटेड एंड अनवॉरेंटेड सोर्स शुड बी डिलीटेड विदाउट रीडिंग और डाउनलोडिंग एनी अटैचमेंट। इन सच मेल शुड नेवर बी डाउनलोडेड और इंस्टॉल्ड ऑन टू द सिस्टम। जैसे अगर आपको कोई मेल आता है, आप सेंडर को नहीं जानते हैं, उसमें कोई अटैचमेंट है, तो कभी आप उसको डाउनलोड ना कीजिए, इवन उसको ओपन भी मत कीजिए, डायरेक्टली उसको आप डिलीट कर दीजिए। बिकॉज इफ़ द सेंडर इज़ नॉट इन द लिस्ट एंड इफ़ द मेल इज़ कमिंग टू द स्पैम बॉक्स, दैट मीन्स इट इज़ अ स्पैम। इट इज़ आइडेंटिफाइड एज अ स्पैम बाय योर ईमेल इंजन, योर मेलिंग वेबसाइट। कि आप जैसे मान लो जीमेल पे आपका अकाउंट है और कोई स्पैम बॉक्स में आपको मेल आ रहा है, तो जीमेल ने आइडेंटिफाई करके आपको दिया है कि ये स्पैम मेल है, उसको तुरंत डिलीट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप उसको यूज़ करेंगे, उसमें अगर कोई अटैचमेंट है, ओपन करते हैं, तो मे बी पॉसिबल सम वायरस गेट लोडेड इन टू योर कंप्यूटर। देन आफ्टर बैकअप्स, तो टेकिंग बैकअप रेगुलरली इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस। दिस नॉट ओनली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट data loss but also helps to restore the integrity of data. Make sure that data is encrypted by using encryption software to protect from unauthorized access.
तो टाइम बाय टाइम अपने कंप्यूटर का बैकअप लेते रहिए, जो डेटा इन्फॉर्मेशन आपने रखा है उसका बैकअप लेते रहिए, और बैकअप लेते समय ये ध्यान रखिए कि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर हो, कि कोई दूसरा पर्सन उस बैकअप्ड डेटा का यूज़ ना कर सके। अब देखो, बैकअप का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपने मान लो आज के डेट में बैकअप ले लिया, अब अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके कंप्यूटर में होती है, अगर डेटा लॉस होता है, कंप्यूटर फंक्शन करना बंद कर देता है, इवन तब भी आप उस पुराने डेटा से किसी भी सिस्टम में रीस्टोर कर सकते हो, और जो जहाँ तक आपने डेटा स्टोर किया था वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी दोबारा से वापस आ जाती है। नेक्स्ट थिंग इज स्कैनिंग ऑल पोर्टेबल डिवाइसेस। स्कैन ऑल पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस बिफोर यूज एज दीज आर द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इन कंप्यूटर। जैसे कभी भी कोई पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी आप अपने कंप्यूटर में लगा रहे हैं, तो उसको लगाते समय सबसे पहला काम आप उसको स्कैन कीजिए किसी वायरस या वॉर्म के लिए, और इसके लिए भी आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए। स्कैन कीजिए क्योंकि ये ही वो डिवाइसेस होती हैं जो सबसे ज़्यादा वायरस, वॉर्म और मैलवेयर्स को कैरी करती हैं। नेक्स्ट, डिसेबल कुकीज़ इफ़ पॉसिबल। कुकीज़ के बारे में मैं प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, तो यदि पॉसिबल हो तो कुकीज़ को आप डिसेबल करिए, डिलीट कीजिए, बिकॉज दीज आर द रिस्क टू योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन वी मस्ट डिसेबल कुकी ऑन आवर ब्राउजर। नेक्स्ट थिंग इज नेटिक्वेट्स। तो साइबर वर्ल्ड इज एवर इंक्रीजिंग मैश वेयर थाउजेंड्स ऑफ यूजर एंड मशीन्स आर एडेड टू द नेटवर्क ईच डे। इन सच अ वर्ल्ड इट बिकम्स इम्परेटिव दैट its users follow certain guidelines ensuring seamless flow of information। तो आज के डेट में जो साइबर वर्ल्ड है ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, हर दिन हजारों नए मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स इंटरनेट से जुड़ते हैं और ये बढ़ा ही होता जाता है। तो जितने भी यूज़र हैं उनको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए जिससे इंटरनेट की और अपने इंफॉर्मेशन की प्रोटेक्शन को हम इंश्योर कर सकें। तो इंडगलिंग आर प्रमोटिंग साइबर क्राइम इंक्लूडिंग साइबर बुलिंग, साइबर स्टैकिंग, फ्लेमिंग एटसेट्रा शुड बी अवॉइडेड। तो हर वो चीज़ जो साइबर क्राइम्स को बढ़ाती है, जैसे साइबर बुलिंग, साइबर स्टैकिंग, फ्लेमिंग, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। द साइबर वर्ल्ड इज़ फेयरली सेफ प्लेस बट इट कैन बिकम एक्सट्रीमली डेंजरस वेन वी टेंड टू कनेक्ट विद द अननोन। तो साइबर वर्ल्ड बहुत ही सेफ जगह है, लेकिन अगर हम अननोन लोगों से कनेक्ट होते हैं, हम अपनी इंफॉर्मेशन को गिव अप करते हैं, तो ऐसे केस में ये डेंजरस भी हो सकता है। तो इफ़ वी फॉलो दीज गाइडलाइंस देन वी कैन से कि वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द साइबर अटैक्स एंड मैलवेयर्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज साइबर क्राइम। साइबर क्राइम दैट मीन्स अ क्राइम और एन ऑफेंस दैट इज़ कमिटेड यूजिंग साइबर वर्ल्ड दैट इज इंटरनेट। तो साइबर क्राइम रेफर्स टू एनी ऑनलाइन इलीगल एक्टिविटी फैसिलिटेटेड बाई द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेज लाइक मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स और थ्रू नेटवर्क्स लाइक इंटरनेट। सम साइबर क्राइम्स टेंड टू हार्म द सिस्टम रिसोर्सेज बाई इंस्टॉलिंग वायरस with others are used to extract confidential information from the user। तो कोई भी क्राइम जो इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर इनका यूज़ करके कमिट की जाती है वो साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम से सिस्टम की रिसोर्सेज को और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को नुकसान पहुंचाया जाता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स आर साइबर स्टैकिंग, बुलिंग, साइबर रैप्सोने, साइबर वारफेयर, साइबर टेररिज्म, साइबर एक्सटॉर्शन एंड सेक्सटिंग। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स इन डिटेल। नाउ द फर्स्ट थिंग इज साइबर स्टैकिंग। तो इट इज़ अ क्राइम इन विच अटैकर हैरेसेस अ विक्टिम बाई यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सच एज ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग और मैसेजेस पोस्टेड ऑन अ वेबसाइट और अ डिस्कशन ग्रुप फॉर रीजन ऑफ एंगर, रिवेंज और कंट्रोल। तो साइबर स्टैकिंग में होता ये है कि कोई अटैकर
किसी दूसरे विक्टम को इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का यूज़ करके, जैसे ईमेल यूज़ भेज के या इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे व्हाट्सएप और बाकी सब का यूज़ करके, या किसी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे उसके बारे में मैसेजेस पोस्ट करके उसको एक तरीके से हैरेस करता है एंगर के लिए, रिवेंज के लिए या कंट्रोल के लिए, तो दैट इज़ टर्म्ड एज साइबर स्टैकिंग। एंड बिफोर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज टॉपिक, मैं आपको बता दूं कि साइबर स्टैकिंग, साइबर बुलिंग अगर प्रूव हो गया तो एटलीस्ट यू गॉट इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 years। तो प्लीज़ डोंट बी इन्वॉल्व्ड इन दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज एट ऑल। तो स्टैकर मे बी एन ऑनलाइन स्ट्रेंजर और अ पर्सन होम द टारगेट नोज। तो अटैकर जो है या स्टैकर जो है वो स्ट्रेंजर भी हो सकता है या वो पर्सन भी हो सकता है जो दूसरे को जानता हो या विक्टम को जानता हो। देन आफ्टर साइबर बुलिंग, इट इज़ एन एक्ट ऑफ हार्मिंग और हैरेसिंग यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन अ डेलिबरेटेड मैनर। दिस इंक्लूड इंसल्टिंग रिमार्क्स एंड थ्रेटनिंग मैसेज सेंड बाई ईमेल्स। तो इसमें होता क्या है कि हैरस और हार्म पहुँचाया जाता है आईटी का यूज़ करके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके, डिलिबरेटली जानबूझ के। इसमें एग्जांपल्स में आते हैं कि अगर आप किसी को थ्रेटन कर रहे हो उसको मेल भेज के, या अगर उसने कोई पोस्ट किया है तो उसमें आप गलत रिमार्क्स डाल रहे हैं, स्प्रेडिंग रूमर्स अबाउट द पर्संस इधर बाई ईमेल और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। आप किसी पर्सन के बारे में कोई रूमर फैला रहे हो ईमेल भेज के या सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज़ करके, दैट इज़ आल्सो कम्स अंडर साइबर बुलिंग। पोस्टिंग एम्बैरेसिंग फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस टू हर्ट द पर्सन, अगर आप किसी पर्सन को फोटो या कुछ गलत वीडियो भेज के उसको आप हैरेस करने की या एम्बैरेस करने की कोशिश कर रहे हो, और डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट जेंडर, रेस, रिलीजन और नेशनैलिटी, अगर आप किसी के खिलाफ उसके जेंडर, रेस, रिलीजन या नेशनैलिटी पे कोई टिप्पणी करते हो तो दैट इज़ आल्सो कम्स अंडर साइबर बुलिंग। देन आफ्टर साइबर एब्सोनेज, तो इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू ऑब्टेन secret information without permission from its owner or holders। तो इसमें ये होता है कि information technology का use करके अगर किसी दूसरे person की या किसी victim की secret information को उसकी जानकारी के बिना, उसके permission के बिना अगर आप acquire करते हैं तो वो cyber espionage के अंदर आता है। साइबर एब्सोनेज इज मोस्ट ऑफन यूज टू गेन स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक, पोलिटिकल और मिलिट्री एडवांटेज एंड इज कंडक्टेड बाई क्रैकिंग द टेक्निक्स एंड मेलवेयर्स। तो ये अक्सर किया जाता है किसी कंपनी की स्ट्रैटजी या उसकी इकोनॉमिक प्लान्स या पोलिटिकल प्लान्स या किसी देश के मिलिट्री के सीक्रेट्स चुराने और उसके एडवांटेज लेने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो टेक्निक्स हैं उनको जो यूज़ की जा रही हैं ओनर्स के द्वारा, उसको क्रैक करते हैं और मेलवेयर्स का भी यूज़ करते हैं उनकी इंफॉर्मेशंस को गैदर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा साइबर वॉरफेयर, तो इट इन्वॉल्व यूजिंग द टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाई नेशन स्टेट टू पेनिट्रेट अनदर्स नेशन नेटवर्क टू कॉज डैमेज और डिस्ट्रप्शन। मतलब अगर एक देश दूसरे देश के नेटवर्क में घुसता है और उसके इंफॉर्मेशन को गैदर करता है या कोई भी डिस्ट्रक्शन करता है तो दैट इज़ टर्म्ड एज साइबर वॉरफेयर। जैसे इंडिया और चाइना के बीच में आज के डेट में साइबर वॉरफेयर चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, तो ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो एक दूसरे से साइबर वॉरफेयर कर रही हैं आज के डेट में। थ्रू साइबर वॉरफेयर कंट्रीज़ कैन कम्प्लीटली फ्रीज द वीटल रिसोर्सेज लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग सिस्टम, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑफ अदर्स कंट्री। दिस कैन ब्रिंग द इकोनमी ऑफ द टारगेटेड कंट्री एट कम्प्लीट स्टैंड स्टिल।
तो अगर एक्सट्रीम केस की बात करें साइबर वारफेयर की, कि अगर साइबर वारफेयर पूरी तरीके से एक्सट्रीम केस में लगा दिया जाए, तो दूसरी कंट्री के जो विटल रिसोर्सेज हैं, जैसे उसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसके जो ट्रैफिक सेंसर्स हैं या ट्रैफिक लाइट्स हैं, उनको ख़राब किया जा सकता है या उनको फ्रीज़ किया जा सकता है, उनकी बैंकिंग सिस्टम, उनकी इंटरनेट, उनकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को भी फ्रीज़ किया जा सकता है, जिससे उनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएंगे। तो साइबर वॉरफेयर हैज़ इमर्ज्ड एज अ प्रोमिनेंट थ्रेट टू द सोवरेन ऑफ कंट्री। तो ये किसी कंट्री के लिए आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा भय का कारण बन चुका है। नेक्स्ट, साइबर टेररिज्म। तो साइबर टेररिज्म इज़ एन एक्ट ऑफ कंडक्टिंग टेररिज्म थ्रू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट इन ऑर्डर टू कॉज फियर एंड पैनिक। तो अगर कंप्यूटर का यूज़ करके, इंटरनेट का यूज़ करके अगर हम फियर या पैनिक का सिचुएशन क्रिएट करते हैं, दैट इज़ कम्स अंडर साइबर टेररिज्म। जैसे जो अलग अलग मिलिटेंट्स ग्रुप हैं, वो भी ये साइबर टेररिज्म करते हैं, अपने वीडियोस पोस्ट करते हैं जिससे लोग डरें। साइबर टेररिज्म इन्वॉल्व लार्ज स्केल डिस्ट्रप्शन ऑफ कंप्यूटर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और इंफॉर्मेशन सिस्टम सो एज टू कंपेल द गवर्नमेंट और इट्स पीपल टू फुलफिल सम सोशल, रिलीजियस और पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। सम साइबर टेररिस्ट स्प्रेड कंप्यूटर वायरस वाइल अदर्स थ्रेटन पीपल इलेक्ट्रॉनिकली। इट मे रिजल्ट इन वायलेंस अगेंस्ट पर्सन और प्रॉपर्टी। तो देखिए, जैसे आज के डेट में देखो, फालतू के मैसेजेस, रूमर्स भी फैलाए जाते हैं, ये भी साइबर टेररिज्म का एक एग्जांपल है कि यहाँ पे फला जगह दंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इस तरीके से अगर मैसेजेस भी आप स्प्रेड कर रहे हो जिससे एक्चुअली कोई मिसहैप होता है, दैट इज़ आल्सो कम्स अंडर साइबर टेररिज्म। अटैक्स ऑन मिलिट्री इंस्टॉलेशन, पावर प्लांट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, बैंक्स एटसेट्रा आर आल्सो एग्जांपल ऑफ साइबर टेररिज्म। तो ये चीज़ें भी साइबर टेररिज्म के अंदर आती है। नेक्स्ट, साइबर एक्सटॉर्शन। तो इट इज़ अ क्राइम दैट इन्वॉल्व एन अटैक कपल्ड विद अ डिमांड फॉर मनी टू स्टॉप फर्दर अटैक्स। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था रैनसमवेयर के बारे में, कि आप पे अटैक किया गया और आपसे कुछ मनी की डिमांड की जा रही है आप अटैक को रोकने के लिए। तो साइबर एक्सटॉर्शन मे बी इन्वॉल्व एज डॉस, दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, और इंस्टॉलेशन ऑफ रैनसमवेयर टू एसेस एंड ब्लॉक द सिस्टम रिसोर्सेज ऑफ द विक्टिम। ऑल दीज आर टर्म्ड एज साइबर एक्सटॉर्शन। देन आफ्टर सेक्सटिंग। तो सेक्सटिंग मीन्स सेंडिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपोज्ड सेक्सुअल मटेरियल टू अदर विदाउट टेकिंग अदर्स कंसेंट। दिस टाइप ऑफ मटेरियल कैन बी यूज्ड टू डिफेम अदर्स और कॉज हैरेसमेंट। द इंटरनेट इज वाइडली बीइंग यूज्ड बाय अब्यूजर्स टू रीच एंड सेक्सुअली अब्यूज चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। इट्स ऑब्स्क्यू हैज मेड चिल्ड्रन द विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम्स। एंड इसके भी खिलाफ पास्को एक्ट है और कई सारे एक्ट हैं। इस एक्टिविटी में अगर कोई इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसको तो 12 ईयर्स प्लस की इम्प्रिजनमेंट होती है। अगर चाइल्ड अब्यूज का अगर कोई दोषी पाया जाता है या उस कंटेंट को स्प्रेड करता हुआ भी कोई पाया जाता है, तो इंडिया का जो आईटी एक्ट 2000 है और अमेंडमेंट 2008 है, उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट 12 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट होती है, और साथ ही साथ मनीट्री जो लॉस होता है वो तो होता ही है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट थिंग इज रिपोर्टिंग अ साइबर क्राइम। तो देखिए, साइबर क्राइम अगर आपके साथ हुआ तो आप रिपोर्ट कैसे करेंगे, तो वो अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो इन केस ऑफ एनी साइबर क्राइम, यू शुड इमीडिएटली रिपोर्ट द मैटर टू ईदर पेरेंट्स और स्कूल अथॉरिटीज। तो अगर आपके खिलाफ कोई भी साइबर क्राइम हो रहा है, साइबर बुलिंग, साइबर स्टैकिंग, कोई भी चीज़ हो रही है, तो आपको तुरंत अपने पेरेंट्स को और स्कूल अथॉरिटीज़ को बताना चाहिए। पेरेंट्स कैन विजिट अ नियर बाई पुलिस स्टेशन एंड कैन लॉच अ कंप्लेंट। और पेरेंट्स आपके साथ किसी पुलिस स्टेशन पे, पास के पुलिस स्टेशन पे जाके कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं।
द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसको बोलते हैं आईटी एक्ट, हैज़ ग्लोबल ज्यूरिस्डिक्शन. इट मीन्स दैट यू कैन लॉज अ कंप्लेंट अगेंस्ट द क्राइम फ्रॉम एनी स्टेट और सिटी. जैसे अगर आपके खिलाफ गोरखपुर में एक्ट हुआ और आप हो दिल्ली में, तो आप दिल्ली में भी कंप्लेन कर सकते हो और वो कंप्लेन लिया जाएगा. जैसे नॉर्मल क्राइम्स के केस में क्या होता है कि आप केवल लोकल पुलिस स्टेशन पे ही कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ऑल अराउंड द इंडिया, अगर आप इंडिया में हो या अगर आप कहीं पे भी हो, आप जहाँ चाहो जिस स्टेशन पुलिस स्टेशन में चाहो आप अपने कंप्लेंट कर सकते हो. टू नो मोर अबाउट साइबर लॉ और रजिस्टर अ कंप्लेन, यू कैन विजिट द फॉलोइंग लिंक http://www.cybercrimehelpline.com. तो ये वो वेबसाइट है जिस पे आप विजिट करके साइबर क्राइम के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. प्लीज़ रिवाइज इट वंस अगेन, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट यू मे आस्क. वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज साइबर लॉ, इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.